हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडीई नॉलेज डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल। आज हम लोग चॉपर को पिछले लेक्चर से आगे डिस्कस करेंगे। चॉपर बेसिकली हमने बताया था कि चॉपर एक ऐसी पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो फिक्स्ड डीसी वोल्टेज को वेरिएबल डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करती है, क्योंकि वेरिएबल डीसी वोल्टेज जो है हमारा बहुत यूजफुल होता है इंडस्ट्रियल पर्पज के हिसाब से। तो इसके हमने दो क्लासिफिकेशन बताए थे। फर्स्ट वन इज स्टेप अप कन्वर्टर एंड सेकेंड वन इज स्टेप डाउन कन्वर्टर। तो स्टेप अप कन्वर्टर को हम बूस्ट कन्वर्टर बोलते हैं और स्टेप डाउन कन्वर्टर को बक कन्वर्टर भी बोलते हैं। तो आज बक कन्वर्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। बक कन्वर्टर या स्टेप डाउन कन्वर्टर, ये ऐसा कन्वर्टर होता है जो आउटपुट वोल्टेज पर हमें इनपुट के कंपैरिजन लो वोल्टेज प्रोवाइड कराता है। यानी कि मान लीजिए हमने 12 वोल्ट तो दिया है इनपुट में और आउटपुट में हमको मिल रहा है 25 वोल्ट। पिछले लेक्चर में भी हमको ये बताया था हमने। तो ये कैसा कन्वर्टर हो गया हमारा, ये तो हो गया हमारा स्टेप अप कन्वर्टर। लेकिन अगर इसका रिवर्स, 25 वोल्ट हमने दिया इनपुट में और उसने रिड्यूस करके हमें दे दिया 12 वोल्ट, ठीक है, तो वो हो गया हमारा स्टेप डाउन कन्वर्टर। तो स्टेप डाउन कन्वर्टर का एक बेसिक जो है हमने वर्किंग भी बता दी थी पिछले लेक्चर में, एक बार फिर से उसको डिस्कस कर देते हैं। ये एक स्विच होता है जहां पर हम आईजीबीटी या मॉसफेट या थायरिस्टर भी यूज करते हैं। यहाँ पर हमने एक SCR लिया हुआ है थायरिस्टर, एक फ्रीव्हीलिंग डायोड और लोड। वर्किंग को समझने के लिए हमने लोड को यहाँ पर रजिस्टिव लोड माना है। जब हमारा ये स्विच ऑन होगा, ऑन होने का मतलब है ये जो स्विच है हमारा ये पूरा इस तरीके से क्लोज होना। जब ये स्विच हमारा ऑन होगा तो हमको आउटपुट में क्या होगा, पूरा का पूरा वोल्टेज VS के इक्विवेलेंट वोल्टेज मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा स्विच या चैनल या चॉपर, इस स्विच को ही बेसिकली हम एक चॉपर कहते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू सोर्स वोल्टेज या इनपुट वोल्टेज। लेकिन जब ये स्विच हमारा क्लोज होगा, यानी ये ओपन कंडीशन होगा जैसा ये पहले था, यानी कि इस कंडीशन में, तो ऐसे में हमारा जो है वोल्टेज वो यहीं पर रुक जाएगा और आगे नहीं जाएगा। तो इस कंडीशन में हमें आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, जीरो। तो इसकी वेवफॉर्म भी हमने समझी थी पिछले लेक्चर में कि ये वेवफॉर्म जब हमारा थायरिस्टर ऑन था तब हमको वेवफॉर्म मिली, और जब हमारा थायरिस्टर ऑफ था तब हमको जीरो वेवफॉर्म मिली, जीरो वोल्टेज मिला। तो इस तरीके से हमको जो डायरेक्ट वोल्टेज था, जो हमने डायरेक्ट वोल्टेज लिया था फिक्स्ड वोल्टेज, वो हमको चॉप्ड फॉर्म में मिला। एक वेव फॉर्म यहाँ मिली टी ऑन के टाइम में, फिर अगली वेव फॉर्म हमको यहाँ मिलेगी, इसकी ये भी टी ऑन टाइम होगा, उसके बाद एक वेव फॉर्म हमको यहाँ मिलेगी। तो ये होती है बेसिक वर्किंग स्टेप डाउन चॉपर की। अब देखिए, अगर इसके एवरेज आउटपुट वोल्टेज की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है 1/T इंटीग्रेशन 0 to t Vs dt। Vs जो है इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे और अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाएंगे तो सिर्फ t on बचेगा। तो t on upon t, ये तो हो जाएगा हमारा d, जिसको हम बोलते हैं ड्यूटी साइकिल या ड्यूटी रेशियो। ये इसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है। अब इक्वेशन 1 में आप देखिए, अगर d की वैल्यू 0 से 1 के ही बीच में आएगी तो डेफिनेटली ये जो पूरा मल्टीप्लिकेशन होगा तो डेफिनेटली Vs से कम आएगा। यानी जो हमको आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है वो डेफिनेटली Vs से कम मिलेगा, यानी कि इनपुट वोल्टेज से कम ही वोल्टेज मिलेगा। तो ये क्या हो गया हमारा, स्टेप डाउन चॉपर हो गया। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि ये स्टेप डाउन चॉपर ही है या बक कन्वर्टर ही है। अगर इंडक्टिव लोड की बात करें तो यहाँ पर एक इंडक्टर लगा दिया है और ये लोड,
इसमें भी वर्किंग हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो बिल्कुल उसी तरीके से मिलेगा ऑन के टाइम पे, जब हमारा थायरिस्टर या स्विच जो है हमारा या चॉपर जिसे हम बोलेंगे वो जब ऑन होगा तब हमको वोल्टेज मिलेगा फुल वोल्टेज Vs इक्वल टू Vo, और जब हमारा थायरिस्टर ऑफ होगा उस दौरान हमको कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगा। इसी तरह से हमारी साइकिल चलती जाएगी, या टी ऑन टाइम पीरियड या टी ऑफ टाइम पीरियड। बट यहाँ पर करंट की वेवफॉर्म में कुछ चेंजेस आएंगे। हमने पिछले लेक्चर में करंट की वेवफॉर्म बताई थी, बिल्कुल सेम इसी तरह से आएगी, लेकिन मैग्नीट्यूड उसका कुछ कम आता था, यानी वी एस अपॉन आर, क्योंकि सिर्फ रजिस्टिव लोड था। लेकिन यहाँ पर इंडक्टिव लोड भी है। अब इंडक्टर क्या होता करता है कि सडन चेंज ऑफ करंट का अपोज करता है। तो यानी कि यहां तक जो करंट हमारी फ्लो हो रही होगी, अब उसको सडन जीरो होना चाहिए था, लेकिन इंडक्टर की वजह से वो सडन जीरो नहीं हुआ, धीरे धीरे रिड्यूस हुआ था। तब तक हमारा थायरिस्टर फिर से टर्न ऑन हो गया और फिर जो हमारी करंट जो है ऊपर की तरफ जाने लगी। फिर जैसे ही हमारा थायरिस्टर टर्न ऑफ हुआ तो हमारी करंट जो है धीरे धीरे रिड्यूस हुई, जीरो नहीं हुई। तो इस तरीके से साइकिल चलती रही, लेकिन ये जो करंट रिड्यूस हो रही थी उसको फ्लो होने के लिए कुछ कहां पाथ कैसे मिलेगा वो देखिए सर्किट डायग्राम में। जब हमारा जो चॉपर यानी ये स्विच जो था वो ऑफ था, यानी इस कंडीशन में था, ओपन कंडीशन में, तो करंट जो थी हमारी वो इस इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट निकली, क्योंकि इसने सडन जीरो नहीं होने दिया, वो करंट जो थी वो इस लोड के अक्रॉस गई। और फ्री व्हीलिंग डायोड हम एक लगा देते हैं जिससे कि इस करंट को एक पाथ मिल जाए, क्योंकि ये तो जो था पूरा ओपन हो चुका है, यहाँ से स्विच डिस्कनेक्ट हो गया एक तरीके से। तो इसने एक तरीके से करंट को पाथ प्रोवाइड कर दिया। तो इस तरीके से ये होती है आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म ऑफ स्टेप डाउन चॉपर। तो ये तो था हमारा बक कन्वर्टर। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बूस्ट कन्वर्टर। तब तक के लिए हमारा लेक्चर देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए लेक्चर अच्छा लगा हो। थैंक यू।